आप देख रहे हैं TNB। बीते रोज नई दिल्ली वासियों को थोड़ी बहुत राहत मिली थी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब चल रही है। और बता दें कि गुरुवार सुबह समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर पॉल्यूशन लेवल 337 पर रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के मुताबिक तेज हवा चलने की संभावना के कारण शुक्रवार से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सफर ने कहा कि PM 2.5 और PM 10 की सांद्रता क्रमश बहुत खराब में 168 और खराब श्रेणी में 284 थी। वहीं AQI बहुत ही खराब वायु गुणवत्ता को इंगित करता है। ये अगले दो दिनों के लिए एक उथले कोहरे की स्थिति AQI खराब रहने की संभावना है। 16 तारीख को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने जा रहा है और 17 तारीख से उच्च हवा की गति के कारण महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है। जो AQI को खराब या निचले छोर के भीतर रखते हैं, नोएडा और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें AQI 337 और 330 रेंज पर है। वहीं सरकारी एजेंसियों के अनुसार 0 और 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब और 401 और 500 गंभीर माना जाता है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा था कि अगले आदेश तक ट्रकों के प्रवेश पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के पूर्वानुमान के मद्देनजर CNG ई ट्रक और आवश्यक सेवाओं में लगे लोग अपना परिचालन जारी रख सकते हैं। मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 16 दिसंबर को निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध की समीक्षा करेगी। हालांकि दिल्ली वासियों को अभी भी फिलहाल वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज भी दिल्ली की हवा इतनी ही जहरीली है जितनी बीते रोज थी। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।